की भवन के पास राष्ट्रपति के पास मार्च कर रहा है, आप क्या उसमें शामिल होंगी? क्या बीएसपी का कहना है इस बारे में? ये जो आज श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपोजिशन जो आज माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए जो मार्च करने के लिए जा रहा है, तो इसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी। और इसका कारण ये है, शामिल ना होने का इसके थोड़े बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भूमि अधिग्रहण जो विधेयक है, जो अभी वर्तमान सरकार ने इसको अमेंड किया है, संशोधित किया है, तो इस भूमि अधिग्रहण संशोधित विधेयक के हमारी पार्टी जबरदस्त इसके खिलाफ है। और पार्लियामेंट के अंदर भी हमने इस संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी बात रखी है, पार्लियामेंट के बाहर भी अपनी बात रखी है, और इस मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी काफ़ी अति गंभीर है। क्योंकि सन 2013 में पिछली सरकार में जो भूमि अधिग्रहण का कानून बना था, तो वो काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद बहुत इसमें डिटेल में चर्चा हुई थी, तो और उस दौरान देश के सभी मुख्यमंत्रियों से, जो किसान संगठन थे उनसे भी वार्ता हुई थी, सभी पार्टी के नेताओं से वार्ता हुई थी, और संसद के दोनों सदन में काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हुई थी, और तब जाकर आम सहमति से ये विधेयक पास हुआ था भूमि अधिग्रहण। क्योंकि जो पहला कानून था वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ था भूमि अधिग्रहण, उसमें बहुत कमियां थी, और इतनी ज़्यादा कमियां थी कि पूरे देश के अंदर किसान बड़े दुखी थे, और सरकार जो थी किसानों की मर्जी के खिलाफ जाकर उनकी जितनी जमीन की जरूरत होती थी उससे कई गुना ज़्यादा जमीन अधिग्रहण करके किसानों का शोषण कर रही थी। और उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, चार बार बनी, तो मुझे इसका काफ़ी इसका मुकाबला करना पड़ा। किसान लोग सड़कों पर उतरते थे, उससे यूपी की कानून व्यवस्था भी खराब होती थी। और इसको लेकर मैंने उस समय जब यूपी में मेरे नेतृत्व में सन 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो मैंने उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लिखा था कि जो अंग्रेजों का भूमि अधिग्रहण का कानून बना आप इसको बदलें। तो इन्होंने काफ़ी लिखत पढ़त करनी पड़ी, जब नहीं बदला तो सन 2011 में मेरी सरकार ने भूमि अधिग्रहण नई नीति बनाई। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो जब हमने ये भूमि अधिग्रहण नई नीति बनाई, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही थी, तो उसको झुकना पड़ा। और इस कानून को बनाने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार का जो भूमि अधिग्रहण नीति जो हमने बनाई थी, तो ये जो कानून बनाया सन 2013 में, उस नीति की, हमारी सरकार की नीति की लगभग 80% उसमें सारी की सारी बातें वैसी की वैसी उसमें शामिल कर दी गई हैं। तो इसलिए और 20% उन्होंने दूसरी बातें शामिल की हैं, तो इसलिए हमने इस विधेयक का उस समय जो है सन 2013 में समर्थन किया था। लेकिन अब जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, तो उन्होंने, इस सरकार ने इस कानून में काफ़ी अमेंडमेंट कर दिए, और जो अभी जो 9 संशोधन ये खुद लाए हैं लोकसभा के अंदर, वो बहुत मामूली से संशोधन है। तो इसलिए ये जो संशोधित जो कानून है वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट का, इससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसका हम डटकर विरोध करेंगे पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और ये पार्लियामेंट का सत्र खत्म हो जाए तो उसके बाद हम पूरे देश के अंदर, तो हम देशव्यापी बीएसपी के तत्वाधान में आंदोलन भी करेंगे किसानों के हितों को ध्यान में रखकर। लेकिन आपने जो ये सवाल पूछा कि ये जो आज मार्च ये लोग करने के लिए जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आपकी पार्टी क्यों नहीं शामिल हो रही है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहती हूँ। हमारी पार्टी इस मार्च में इसलिए शामिल नहीं हो रही है क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का समय लगभग 1.5 साल के करीब बचा है। तो उत्तर प्रदेश में हमने अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखकर, तो क्योंकि वहाँ पे चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 1.5-2 साल का समय बचा है, तो हमने पार्टी हित में
तो इस मार्च में हमने शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, क्योंकि ये जो मार्च है तो ये श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये मार्च हो रहा है, सारी पार्टियां विपक्ष की उधर शामिल हो रही हैं। तो हम कोई इस मार्च का जो मुद्दा हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम इस मार्च में इसलिए शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसका हमें उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नुकसान पहुंच सकता है। और इसका बैकग्राउंड ये है, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम लोग इस मार्च में शामिल हो गए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो वो लोग फिर यही प्रचार करना शुरू कर देंगे अपनी पार्टी के बारे में कि बहुजन समाज पार्टी के साथ असेंबली के चुनाव में समझौता हो सकता है, तो उससे हमारी पार्टी में वहां पर कंफ्यूजन पैदा होगा और हमारी पार्टी को राजनीतिक नुकसान आने वाले समय में यूपी में असेंबली के चुनाव में हो सकता है। और इसके हम भुक्तभोगी पहले ही हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज से कुछ साल पहले, तो जब 15 जनवरी को मेरा हर साल आपको मालूम है जन्मदिन मनाया जाता है, तो आज से कुछ साल पहले श्रीमती सोनिया गांधी मेरे जन्मदिन के जो पार्टी कार्यालय है 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, उस समय था, अब तो नहीं है, अब तो वहाँ पे प्रेरणा केंद्र बन गया है, तो वहाँ पर ये मेरे जन्मदिन के मौके पर गई थी मुझे बधाई देने के लिए, शामिल हुई थी वहाँ पर मेरे जन्मदिन के मौके पर, और पूरे ऑल इंडिया से हमारी पार्टी के लोग भी आए हुए थे। और उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव का समय लगभग 1.5-2 साल का बचा था, तो जब ये मेरे जन्मदिन के मौके पर श्रीमती सोनिया गांधी आई तो चुनाव होने तक कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर यही प्रचार करते रहे कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विधानसभा आम चुनाव में यूपी में अलायंस हो सकता है। हमें बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाना पड़ा, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस किस्म का नाजायज फायदा कांग्रेस पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसका वो नाजायज फायदा ना उठा लें, इसलिए हमारी पार्टी ने इस मार्च में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। मुद्दा सही है और ये तो किसानों के हित में बाद में उतरे हैं कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां, हमारी पार्टी तो इन जो सेंटर में सरकार थी उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चल रही थी उनको भी लिखा, और जब इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हमने किसानों के हित में नई भूमि अधिग्रहण नीति बनाई थी। हमारी पार्टी के अलावा हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी इतनी हितेशी होगी किसानों की जितनी हमारी पार्टी थी।